ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कहा गया है परिवार जो प्रार्थना करता है वह हमेशा एक बना रहता है। आज के पवित्र सुसमाचार में हमें माता कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त की वंशावली पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाती है। हम सोचते होंगे कि इन नामों के क्या मतलब हैं और क्यों कलीसिया हमें इन नामों को सुनाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर का एक ही मकसद है कि जब उसने इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजा, वह चाहते थे कि वो पूर्ण रूप से इस दुनिया में आकर हमारे समान रहें, और इसीलिए इसी के अंतर्गत उन्हें एक परिवार में ढाला गया, क्योंकि परिवार से हमें अपनी पहचान मिलती है। हर एक बच्चे के लिए परिवार उसकी प्रथम कलीसिया है। अब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने भी अपनी माता पिता के अधीन रहकर कई सारे धार्मिक शिक्षाएं ग्रहण की, अच्छाइयां ग्रहण की। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त दुनिया में आकर कभी अपना दैविक रूप का इस्तेमाल नहीं करते, वे पूर्ण रूप से इंसान बनकर रहते हैं। केवल एक चीज़ की उनमें कमी थी कि उन्होंने इंसान के समान पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी वह हम सबों के समान जिए, और इसलिए जब उनकी पहचान भी दुनिया में होती है तो वो उनके माता पिता के नाम से ही होती है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 55 में वचन कहता है, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने स्वयं के गाँव में जाकर चमत्कार करना चाहते हैं तो लोग उनकी शिक्षाओं को सुनकर अचंभित रह जाते हैं और अपने मन में एक विचार लाते हैं, क्या ये बड़ाई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माँ मरियम नहीं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही प्रभु यीशु ख्रिस्त की इस धरती पर पहचान थी। हमारी भी एक पहचान इस धरती पर है। हमारी उत्पत्ति भी एक परिवार में की गई है, और इस परिवार से लगाव और इस परिवार से प्यार करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमने हमारे परिवार को नहीं चुना, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए ये परिवार निर्धारित किया, जिससे हम प्रथम धार्मिक शिक्षाएं, प्रथम जीवन जीने के तरीके हमारे परिवार से सीखें। आज बहुत दुख की बात होती है जब हम सुनते हैं कि क्रिस्तीय परिवार टूट रहे हैं, क्रिस्त परिवार बिखर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका एक ही कारण है, प्रेम का अभाव, समझदारी का अभाव। संत मदर तेरेसा अपने एक वाक्य में कहती है, अगर हमें दुनिया को खुशहाल दुनिया बनाना है तो हमें सबसे पहले जाकर अपने परिवार में प्रेम का संचार करना है। एक दूसरी जगह पर कहा गया है, परिवार एक पेड़ के समान है जिसकी टहनियाँ अलग अलग दिशाओं में तो बढ़ती हैं लेकिन उसकी जड़ एक होती है। तो आज क्या मैं अपने परिवार से जुड़ा हुआ हूँ? क्या मैं मेरे परिवार में प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को परिवार में प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ? अगर एक माता पिता होते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा हूँ तो मैं अब धार्मिकता में या कलीसिया के विश्वास में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वो दिन दूर नहीं जब हम भी बिखर जाएंगे, हमारे परिवार बिखर जाएंगे प्रार्थना के अभाव में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगमन काल में हम तैयारी कर रहे हैं यीशु को स्वागत करने के लिए, लेकिन हम यीशु का कहाँ स्वागत करेंगे अगर हम अपने परिवारों को प्यार नहीं करते? हमारे परिवार में प्रार्थना का अभाव है, हमारा परिवार एक नहीं है, तो यीशु कहाँ आकर निवास करेंगे? इसलिए इन दिनों में जब हम एक होकर सब तैयारियाँ करते हैं, बाहरी तैयारियाँ करते हैं, आइए हम आंतरिक रूप से भी योग्य तैयारी करें, जिसे यीशु को हमारे परिवारों में स्वागत कर हमारे परिवार को उस पवित्र परिवार के समान बना सके जो हमारे लिए एक आदर्श के रूप में दिया गया है। आमीन।